स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग करेंगे एरिया कैसे निकालते हैं। तो फाइंड द होल एरिया ऑफ सर्कल, हमें हमारे पास सर्कल लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन है। तो हमने ये क्या किया, इसमें एक सर्कल बना लिया, इसको वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ पे पी हमने कोई स्मॉल स्ट्रिप मान ली पी, इसके कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई, ये वाई डिस्टेंस, ये एक्स डिस्टेंस, इसके ओरिजिन है तो जीरो जीरो, ये डी एक्स इसकी स्मॉल मोटाई है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ पे ए जो है रेडियस ऑफ सर्कल है। तो हम लोग एरिया जानते हैं, एरिया क्या होता है वाई डी एक्स, एरिया का फॉर्मूला होता है वाई डी एक्स इंटीग्रल वाई डी एक्स। अब हमें क्या करना है, हमने क्या किया, एरिया जो था वो इतना ओ ए, इसको नोट कर दो ओ ए बी, यानी कि हमने ओ ए वी इतने का एरिया निकाल लिया, इसका चार गुना कर दिया, एक दो तीन चार, चार गुना कर देंगे होल एरिया मिल जाएगा, यानी कि फोर इंटू लिमिट। अब लिमिट देखो जीरो टू, यहाँ से हम लोग यहाँ तक चले ए, यानी कि एक्स की लिमिट लगाएंगे तो जीरो टू ए वाई और बाई डी एक्स। अब हमें बाई यहाँ से निकालना है, तो बाई स्क्वायर को इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बाई आ जाए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पर रख दी। जब यहाँ पर वैल्यू रख दी तो हम लोग इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व जब करना है तो क्या करेंगे, एक्स बराबर ए साइन थीटा यहाँ पे रखा, तो डी एक्स हो गया ए कॉस थीटा डी थीटा। अब लिमिट देखते हैं, एक्स बराबर जो हम लोग जीरो रखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू जीरो, जीरो आ जाएगा। एक्स बराबर जो हम ए लिखेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, वन बचेगा, साइन थीटा इक्वल टू वन, थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, तो लिमिट हमारी थीटा की आ गई जीरो टू पाई बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह हमने रखा ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स की जगह हमने ए कॉस थीटा डी थीटा। हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर, यहाँ से ए बाहर आ जाएगा, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा, ऐसे ही रहा। यहाँ से जब इसको सॉल्व किया तो फोर ए स्क्वायर जीरो टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्योंकि यहाँ से कॉस थीटा आएगा, अब ए और ये ए स्क्वायर हो गया, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हमें इसमें फार्मूला लगा दिया गामा फंक्शन, तो फोर ए स्क्वायर इंटू, यहाँ पर साइन वाला टर्म है नहीं तो वो हो गया जीरो, तो टू है तो टू प्लस वन, तो गामा थ्री बाई टू इंटू गामा वन बाई टू अपॉन टू गामा एम प्लस एन प्लस टू अपॉन टू, एम एम टू है और एन है नहीं, तो टू प्लस टू अपॉन टू, यहाँ से फोर स्क्वायर वन पॉइंट टू गामा वन पॉइंट टू गामा वन पॉइंट टू टू गामा टू, ये फार्मूला अभी हम बताएँगे आपको। तो ये आ गया टू ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू पाई, तो ये आ गया एरिया हमारा पाई ए स्क्वायर। देखिए गामा वन पॉइंट टू की वैल्यू होती है अंडर रूट पाई, याद कर लें। ये फार्मूला हमने ये लगाया जीरो टू पाई बाई टू साइन एम साइन की पावर एम थीटा इंटू कॉस पावर एम थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा एम प्लस वन अपॉन टू इंटू गामा एन प्लस वन अपॉन टू अपॉन टू गामा एम प्लस एन प्लस टू अपॉन टू, ये फार्मूला यूज हुआ है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है ए सिलेंडर हैज 8 सेंटीमीटर हाइट एंड 3 सेंटीमीटर रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए सिलेंडर की हमें हाइट दी है और रेडियस दिया गया है, तो हमें पूछा गया है वॉल्यूम और सरफेस क्या होगा उस सिलेंडर का, यूजिंग करना है क्या करना है डेफिनेट इंटीग्रल द्वारा हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमने ये सिलेंडर बना लिया है यहाँ पर ए बी सी डी, ये इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, रेडियस जो दी गई है वो हमें दी गई 3 सेंटीमीटर, हाइट जो दी गई वो 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 सेंटीमीटर ही होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर। तो ये बाई एक्सिस एक्स एक्सिस, इसको हमने ई मान लिया, इसको एम मान लिया, एक ई के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया, यहाँ से ए दूरी है, ए कामा जीरो हो जाएंगे, और 8 सेंटीमीटर और चले तो ए में 8 और जोड़ दो, ए प्लस 8 कामा जीरो, ठीक है। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, अब हमें इस इक्वेशन की लाइन ए बी जो है इसकी इक्वेशन पता करनी है, इस इक्वेशन का समीकरण क्या होगा, इस इक्वेशन का समीकरण यहाँ से दूरी कितनी थी 3, ये तो ये हो गया बाई इक्वल टू 3, यहाँ से ये हो गया बाई इक्वल टू 3, इस इक्वेशन का समीकरण, ठीक है। तो बाई इक्वल टू 3 हो गया। वॉल्यूम हम लोग जानते हैं, वॉल्यूम होता है पाई बाई स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रल पाई बाई स्क्वायर डी एक्स। हम लोग कहाँ से कहाँ तक चले, देखो ए से ए प्लस एट तक, तो
तो हम लोग ए से ए प्लस एट तक लिमिट लगाए, पाई बाहर आ गए 22 के dx। अब बाई की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, 22 स्क्वेयर इतना हो जाएगा 9, तो 9 dx। अब यहाँ से 9 हमने काम बाहर ले लिया, 9π इंटू 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x, लिमिट लगा दी a टू a प्लस ए 8, यहाँ से वॉल्यूम आ गया 72π cm³। तो ये तो हमारा वॉल्यूम आ गया। तो इसका निकालेंगे सरफेस, सरफेस क्या होता है, s इक्वल टू 2π बाई इंटीग्रल 2π बाई ds, लिमिट बाई लगाएंगे a से a प्लस 8, बाई इक्वल टू हमारे पास 3 दिया, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 0 आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू 0 कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ds ओवर dx निकालें क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, dy/dx 0 है तो यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसमें वैल्यू रखें, s इक्वल टू 2π a टू a प्लस 8 इंटू 3 इंटू ds ओवर dx इंटू dx कर लिया हमने, ds ओवर dx की वैल्यू यहाँ से 1 है, तो 1 3 इंटू 1 1 3 रहेगा, और तो 3 बाहर आ गया, 3 इंटू 2 6, और 1 का इंटीग्रल x हो गया, तो x का लिमिट लगाया हमने a टू a प्लस 8, यहाँ से आ जाएगा 8 6 48π cm², तो हमारा सरफेस निकल आया 48π cm². तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आज का, कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।